नमस्कार दोस्तों, गरीबों को घर बांटने वाले कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री सिर्फ इस बात पर रोने लगे कि काश उनको भी बचपन में ऐसे सुंदर घर में रहने का मौका मिला होता। कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अब पायलट को इस बात पर रोना चाहिए कि काश बचपन में उसे हवाई जहाज उड़ाने का मौका मिलता। सैनिक को इस बात पर रोना चाहिए कि काश बचपन में उसे तोप चलाने का मौका मिलता। वैज्ञानिकों को इस बात पर रोना चाहिए कि काश बचपन में उनको रॉकेट उड़ाने का मौका मिलता। मोदी जी, बचपन में सुंदर घर में रहने का सपना कौन बालक देखता है? अगर आज की स्क्रिप्ट में रोने का सीन लिखा ही था तो रोने के सीन को ठीक जगह फिट किया जा सकता था। प्रधानमंत्री आवास योजना तो पुरानी सरकारों से चली आ रही है। तमाम प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने आवास बांटे, लेकिन आवास बांटते बांटते कोई प्रधानमंत्री ये सोचकर नहीं रोया कि बचपन में उसके पास रहने के लिए ऐसा घर नहीं था। प्रधानमंत्री मंचों से टेसुए बहा रहे हैं कि भाई उनको बचपन में प्रधानमंत्री आवास वाला लग्जरी घर क्यों नहीं मिला। लेकिन मोदी जी की सरकार पर अम्मा आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार 30,000 रुपए रिश्वत लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर दे रही है। अगर इस हिसाब से भी देखें तो मोदी जी बचपन में प्रधानमंत्री योजना वाला लग्जरी घर नहीं ले पाते, बचपन में ही प्रधानमंत्री बन जाते तो भाई बात और थी। दोस्तों, इस देश के तमाम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री छप्पर वाले घरों के ही रहने वाले थे। ऐसा नहीं था कि भारत आजादी के समय दुबई जैसा था, लग्जरी था, जिसमें सिर्फ मोदी जी के पास ही लग्जरी घर नहीं था, बाकी सब तो बुर्ज खलीफा में रह रहे थे। सबकी हालत समान थी। मोदी जी खुशकिस्मत थे कि उनके पास स्टेशन पर चाय बेचने का मौका तो था। भारत के 90% लोगों के पास तो चाय बेचने का भी मौका नहीं था। दोस्तों, नरेंद्र मोदी आवास बांटते बांटते मंचों से टेसुए बहा रहे हैं कि उनको बचपन में प्रधानमंत्री आवास वाला लग्जरी घर क्यों नहीं मिला। लेकिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास रिश्वत देने के बाद मिलता है। कभी फॉर्म के नाम पर, कभी पैसे पास कराने के नाम पर हजारों ठगे जाते हैं। उस पर प्रधानमंत्री के मुंह से थूक तक नहीं निकलता। दोस्तों, बदायूं के बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप यही प्रधानमंत्री आवास वाले घरों की चाबी बांट रहे थे। दादी से रामराज का सच पूछ लिया कि भाई किसी ने प्रधानमंत्री आवास के लिए कोई रिश्वत वगैरह तो नहीं ली? फिर क्या, दादी ने कहा 30,000 रुपए रिश्वत देकर के घर मिला है, ये है प्रधानमंत्री योजना का सच। मोदी को रोना तो इस पर चाहिए था, लेकिन मोदी जी इस पर रोएंगे नहीं, क्योंकि इस पर रोने से वोट नहीं मिलेगा। दोस्तों, 1947 में भारत आजाद होकर एक स्वतंत्र देश तो बना, लेकिन ये देश आर्थिक मोर्चों पर दुनिया में अपना वजूद पूरी तरह से खो चुका था। हालत ये थी कि अपनी जनता का पेट भरने के लिए भी भारत को अमेरिका से गेहूं उधार लेना पड़ रहा था। जब आजादी के बाद देश में खाने के लाले थे, देश पड़ोसियों से युद्ध पर युद्ध लड़ रहा था, तब मोदी जी को प्रधानमंत्री आवास का घर चाहिए था, और उसके लिए मोदी जी आज रो रहे हैं कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। दोस्तों, मोदी की पैदाइश 1950 की है। आजादी के बाद का समय देश के लिए बहुत कठिन समय था। साल 1950 और 51 के बीच भारत के पास सिर्फ 1,029 करोड़ रुपए का ही विदेशी मुद्रा भंडार था, जो देश चलाने के लिहाज से बहुत ही कम था। एक वक्त तो ऐसा आया जब भारत आर्थिक तौर पर पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका था। भारत के पास आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। उस समय देश ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज भी आर्थिक सुधार में लिए गए अब तक के सभी फैसलों में सबसे अहम फैसला माना जाता है। दोस्तों, 1991 में जब भारत के पास इंपोर्ट करने के लिए विदेशी करेंसी नहीं बची थी, उस वक्त भारत के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने देश का 67 टन सोना गिरवी रखकर 2.2 अरब डॉलर का कर्ज लेने का फैसला किया था। पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अपनी किताब में बताया है। उन्होंने लिखा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक चार्टर प्लेन खड़ा था जिस पर हमने 67 टन सोना रखवाया। उस सोने को गिरवी रखने के लिए प्लेन इंग्लैंड गया था, जिसके बाद भारत को कर्ज मिल पाया। हालांकि हमने उस गिरवी रखे सोने को छुड़ा लिया था। इस फैसले और कर्ज ने देश की आर्थिक स्थिति के सुधार में काफी महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। कर्ज मिलने के बाद भारत धीरे धीरे अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाता चला गया और आज भारत का ये खजाना 609.2 अरब डॉलर पर है।
दोस्तों भारत की पुरानी सरकारों ने विपरीत परिस्थितियों में जो कुछ बनाया वही तो आज मोदी सरकार बेच रही है। सरकारी उपक्रम, कंपनियां, रेलवे, ये सब मोदी जी ने नहीं बनाया, ये सब मोदी जी की देन नहीं है, ये मोदी जी को बना बनाया मिला है। ये उस भारत ने बनाया है जिसके पास खाने के लिए अपना खुद का गेहूं तक नहीं था। दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब मोदी जी के जमाने की चीजें नहीं है। दोस्तों भारत जब आजाद हुआ तब GDP मात्र 2,07,000 करोड़ थी और जनसंख्या जानते हैं केवल 34 करोड़ थी। और आज भारत की GDP लगभग 235 लाख करोड़ रुपए है और जनसंख्या 140 करोड़ है। दोस्तों आज जो सरकारी कंपनियां, सरकारी हवाई अड्डे, स्टेशन मोदी जी अपने दोस्तों को बेच रहे हैं, ये सब भारत ने तब बनाया जब वो गरीबी से जूझ रहा था, संघर्ष कर रहा था। तो भारत जब 50 में अपना संविधान बनाकर लागू कर रहा था तब 1950 में मोदी जी पैदा हुए थे, तब भारत के सामने खाने के लाले थे और मोदी जी को प्रधानमंत्री आवास वाला घर चाहिए था। दोस्तों भारत में रोने पर प्रतिबंध नहीं है, कोई भी कहीं भी रो सकता है, लेकिन जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए रोता है ना वो पकड़ा जाता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।